चर्चा होती है, हर त्योहार पे खीर बनाई जाती है, जहाँ गाय को माता कहा जाता है, जहाँ माखन चोर को पूजा जाता है, जहाँ पालक पनीर सबसे ज्यादा बिकती है, ये उस देश की कहानी है। लेकिन ये उस देश की भी कहानी है जहाँ दूध 75 रुपए लीटर बिकता है, सस्ते से सस्ता भी 60 रुपए से कम नहीं होता है, और जहाँ गरीब दूध में पानी मिलाकर पीता है। पैसे की कमी हो ना, तब तो दूध सिर्फ बच्चे के लिए घर में आता है। ये उस देश की कहानी है। ऐसे ही एक देश में एक छोटा सा गांव था, जहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक परिवार रहता था, माँ बाप और छोटा सा नन्हा सा दूध पीता बच्चा। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, रात के चावल थे सुबह खाने के लिए, बच्चे के लिए बकरी का सिर्फ एक गिलास दूध था, और घर के दरवाजे पे दस्तक पड़ी। जब ये दरवाजा वो आदमी ने खोला तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सज्जन औरत खड़ी थी, और उसके साथ गांव का एक जाना पहचाना आदमी था, जिसको इंग्लिश भी आता था और गांव की भाषा भी आती थी। अभी ये जो औरत थी वो गांव में स्कूल बनाने के लिए आई थी, बहुत बड़ी सज्जन थी, गांव की भलाई के लिए आई थी। तो अपने तो संस्कार है, अपने देश का कल्चर है, अतिथि देवो भव। उसने वो औरत को घर में बुलाया और बोला, कुछ लेंगे आप, चाय लेंगे? घर में दूध तो एक गिलास ही था, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, पानी मिला के बच्चे को पिला देंगे। लेकिन औरत ने बोला कि नहीं, मैं तो चाय पीती ही नहीं। वो आदमी ने वापिस पूछा, क्या आप दूध लेंगे? हाँ चलो थोड़ा दूध ले लूंगी। अभी वो थोड़े असमंजस में पड़ गया, अंदर गया, अपनी पत्नी को बोला, एक भली महिला जो अपने गांव में स्कूल बनाने के लिए आई है, उसके लिए थोड़ा दूध दे दे। अभी उसकी पत्नी का गुस्सा रहा नहीं गया, बोला बच्चे के लिए दूध पड़ा है, सिर्फ एक गिलास बकरी का दूध है, वो भी मैं दे दूं? अगर वो चाय बोले तो मैं चाय बना दूं, दूध में पानी डाल के बच्चे को पिला दूं, लेकिन ऐसे कोई होता है? उसको पता नहीं हम गरीब है, दूध कोई थोड़ी पीता है किसी के घर में। अभी वो तो अपनी भाषा में बोल रही थी, लेकिन वो औरत को समझ में आ गया। उसको इतना दुख हुआ कि अरे मैं किसी बच्चे का दूध पीने जा रही थी। जब ही वो बाहर आए दूध लेके थोड़ा गर्म करके, तो औरत ने बोला कि नहीं, मेरा तो आज उपवास है, मैं बुधवार को उपवास करती हूँ। बोला बुधवार को? बुधवार को कौन उपवास करता है? मंगलवार शनिवार सोमवार सुना है, बुधवार को कौन करता है? औरत ने बोला मैं करती हूँ, मैं तो गौतम बुद्ध के लिए उपवास करती हूँ। ऐसा कह के शुक्रिया बोल के वहां से चली गई। लेकिन उस दिन से वो औरत ने दूध पीना छोड़ दिया। आपको पता है वो औरत कौन थी? वो औरत थी सुधा मूर्ति, मशहूर लेखक और फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति।